राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय सात। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय सात। और सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसके पूरा कराने में 13 वर्ष लगे और उसने लबानुनी वन नाम महल बनवाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह तो देवदारू के खम्भों की 4 पांति पर बना और खम्भों पर देवदारू की कड़िया धरी गई और खम्भों के ऊपर देवदारू की छत वाली 45 कोठरियां अर्थात एक एक महल में 15 कोठरियां बनी। तीनों महलों में कड़िया धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़िया भी चौकोर थी और तीनों महलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। और उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने देवड़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी और उसी के रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना वह भी उसी ढब से बना। फिर उसी ओसारे के ढब से सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए जिसको उसने ब्याह लिया था एक और भवन बनवाया। ये सब घर बाहर भीतर नेव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नापकर और आरों से चीरकर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। उसकी नेव तो बड़े मोल के बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की ढाली गई थी और ऊपर भी बड़े मोल के पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी और बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियों का 1 परत था। जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में बड़ी बुद्धि निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल ढाकर 18 हाथ ऊंचे 2 खम्भे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था और उसने खम्भों के सिरों पर लगाने को पीतल ढाकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी और खम्भों के सिरों पर की कंगनियों के लिए 4 खाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। और उसने खम्भों को भी इस प्रकार बनाया कि खम्भों के सिरों पर की एक एक कंगनी के ढापने को चारों ओर जालियों की एक एक पांति पर अनारों की 2 पांतियां हो और जो कंगनियां ओसारों में खम्भों के सिरों पर बनी उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खम्भे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति पांति करके बने थे वह 200 थे। उन खम्भों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाई ओर के खम्भे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खम्भों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खम्भों का काम इसी रीति हुआ। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर तक 10 हाथ चौड़ा था
और उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था और उसके चारों ओर मोहड़े के नीचे एक हाथ में 10-10 इंद्रायन बने जो हौज को घेरे थे। जब वह ढाला गया तब ये इंद्रायन भी 2 पांति करके ढाले गए और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर की, 3 पश्चिम की, 3 दक्षिण की और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था और उसका दल 4 चौबा भर का था और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसन के फूलों के काम से बनाया था और उसमें 2000 बत की समाई थी। फिर उसने पीतल के 10 पाए बनाए, एक एक पाए की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन पायों की बनावट इस प्रकार की थी, उनके पटियारे थी और पटियारों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और पाया बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकते हुए हार बने थे और एक एक पाए के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरिया बनी और एक एक के चारों कोने से लगे हुए कंधे भी ढालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक कंधे के पास हार बने हुए थे और हौदी का मोहड़ा जो पाए की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था और पाए का मोहड़ा जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाए की बनावट के समान गोल बना और पाए के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक पाए के पहियों में धुरिया भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5-1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहियों की सी थी और उनकी धुरिया, पुट्ठिया, आरे और नाभे सब ढाली हुई थी और एक एक पाए के चारों कोनों पर 4 कंधे थे और कंधे और पाए दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक पाए के सिर पर 1/2 हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और पाए के सिरे पर की टेंके और पटरिया पाए के जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिन पर थी उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोदकर भर दिए और चारों ओर हार भी बनाए। इसी प्रकार से उसने 10 पायों को बनाया, सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था और उसने पीतल की 10 हौदी बनाई, एक एक हौदी में 40-40 बत की समाई थी और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 पायों में से एक एक पर एक एक हौदी थी और उसने 5 हौदी भवन की दक्षिण की ओर और 5 उसकी उत्तर की ओर रख दी और हौजों को भवन की दहिनी और अर्थात पूर्व की ओर और दक्षिण के सामने धर दिया और हिराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। सो हिराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब निपटा लिया, अर्थात 2 खम्भे और उन कंगनियों की गोलाई जो दोनों खम्भों के सिर पर थी और दोनों खम्भों के सिरों पर की गोलाइयों को ढांपने को 2-2 जालियां और दोनों जालियों के लिए 400 अनार अर्थात खम्भों के सिरों पर जो गोलाई थी उनके ढांपने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांति, 10 पाए और इन पर की 10 हौदी, 1 हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़िया और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हिराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया वह
झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यर्दन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला और सुलेमान ने सब पात्रों को बहुत अधिक होने के कारण बिना तौले छोड़ दिया, पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और चोखे सोने की दिवटे जो भीतरी कोठरी के आगे पांच तो दक्षिण की ओर और पांच उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचिया, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो पवित्र मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। निदान जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा किया गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया।